तो हैमस्टर कॉम्बैट की तरह ही एक पॉपुलर, आज की डेट पे काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है एक माइनिंग एप्लीकेशन या फिर माइनिंग बोर्ड भी कह सकते हो, वो आया है टेलीग्राम के अंदर, काफी टाइम से है लेकिन आज मैं आपको उसके साथ रूबरू करने वाला हूँ। आज की जो एप्लीकेशन है जिसका नाम है सीड, सीड भी आपको टेलीग्राम के अंदर ही मिल जाएगा। तो इसको आप माइन करने के लिए आपको टेलीग्राम के अंदर आपकी अकाउंट होना चाहिए, अकाउंट है तो बहुत ही बढ़िया बात है। आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करोगे तो सीधे आप इस बॉट के ऊपर चले जाओगे। आप वहाँ पे स्टार्ट की ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास इसका जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। आप यहाँ पे स्क्रीन की ऊपर देख सकते हो, आप मैं यहाँ पे जो जो प्रोसेस करके दिखाऊंगा वही सब टास्क को कंप्लीट करना है, तो आपकी जो अर्निंग है वो बढ़ते चले जाएंगे। तो आपकी यहाँ पे प्ले की जगह पे स्टार्ट की बटन मिलेगा, आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो दोबारा आपके पास एक प्ले का बटन आ जाएगा। आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास सीड का जो पेज है वो आपके पास कुछ इस तरह से आप ओपन हो जाएगा। मैं भी कुछ ही टाइम पहले इसको बस यूज करने लगा हूँ, इसी वजह से मेरे पास यहाँ पे जो इसका जो कॉइन है, सीड कॉइन है, वो काफ़ी कम है। सबसे पहले नीचे की तरफ यहाँ पे जो काउंट डाउन चल रहा है इसके मतलब है यहाँ पे मुझे यहाँ पे सीडिंग हो रहा है। यहाँ पे एक सीडिंग कॉम्प्लीट होने के लिए यहाँ पे आपको 3 घंटे की टाइम लगता है। आपको सिंपल सा नीचे की तरफ एक ऑप्शन मिलेगा, आप उसके ऊपर क्लिक कर दोगे तो आपके पास यहाँ पे सीडिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा। हर 3 घंटे बाद आप यहाँ पे आके आपकी जो सीडिंग जो कॉइन होगा उसे आप कलेक्ट कर पाओगे। और उसके साथ साथ यहाँ पे ऊपर की तरफ यहाँ पे एक छोटा सा एक ऑप्शन है, आपको यहाँ पे हर 2 घंटे बाद या फिर कुछ टाइम ऊपर की तरफ चल रहा है ये जो टाइम है, इस टाइम के बाद आपको यहाँ पे एक कीड़ा आ जाएगा। कीड़ा को आपको यहाँ पे कलेक्ट करना पड़ेगा, उस कीड़ा को आपको आने वाला टाइम पे कहाँ पे किस तरह से इस्तेमाल करना है वो भी मैं सब कुछ आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। बस आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। इसके अलावा नीचे की तरफ जो टाइम चल रहा है इसकी ये टाइम काउंट डाउन खत्म होने के बाद आपको यहाँ पे जो सीडिंग की जो कॉइन मिलेगा उसको आपको यहाँ पे क्लेम का ऑप्शन मिल जाएगा। क्लेम की पर क्लिक करके आप क्लेम कर लेना। तो यहाँ पे ये दो काम को सबसे पहले आपको करना है। उसके बाद आप यहाँ पे इन्वेंटरी के ऊपर जैसे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे आप अभी तक जितना कीड़ा को आप वहाँ से इकट्ठा करोगे वो आपको यहाँ पे इस तरह से देखने को मिल जाएगा। और इसके बगल पे है एक, इस एक को आपको बार्ड पे कन्वर्ट करना है। मैं यहाँ पे बार्ड की जगह पे आता हूँ तो यहाँ पे बार्ड की जगह पे कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है। मुझे यहाँ पे जो एक मिला है इसी एक को बार्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो किस तरह से कन्वर्ट करोगे और वो बार्ड का काम क्या रहेगा सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी टाइम पहले ही बताया था ये जो एयरड्रॉप है सीड को, नवंबर को इसका जो एयरड्रॉप है वो आने वाला है, आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके अलावा आप यहाँ पे शॉपिंग आइटम के अंदर आके आप यहाँ से ये सब कुछ चीज़ों को आप यहाँ से शॉपिंग भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड नहीं करूँगा लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग चाहो तो आप यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे एग है, एक को भी आप यहाँ पे बहुत टाइप का एक मिल जाएगा। आप यहाँ से एक को भी आप अपने अकॉर्डिंग खरीद सकते हो और यहाँ पे अलग अलग एक मिल जाएगा। आपको यहाँ पे 6 टाइप का एक मिल जाएगा। आप यहाँ पे जो फिल्टर है फिल्टर की ऊपर क्लिक कर सकते हो, क्लिक करके आप अपने अकॉर्डिंग एक को खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो। लेटेस्ट है, हाई प्राइस है, लो प्राइस है, इसकी इस तरह से भी आप यहाँ पे अपनी एक को खरीद सकते हो और उसको बाद में आप सेल भी कर सकते हो या फिर उसको आप बाद में कॉन्वर्ट भी कर सकते हो। कौन सी एक को खरीदने के लिए कितना आपको यहाँ पे सीड कॉइन पे करना पड़ेगा वो आपको यहाँ पे साइड की तरफ पे दिखाई दे रहा है। और आप यहाँ पे ओन आइटम के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे 6 टाइप का आपको यहाँ पे एक मिल जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग आपके पास जितना कॉइन होगा उस हिसाब से आप यहाँ पे चाहो तो खरीद सकते हो यहाँ पे, लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक को या फिर किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए रिकमेंड नहीं करूँगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे लेजेंडरी एग है, उसको खरीदने के लिए आपको यहाँ पे अलग अलग टाइप का एग है, उसको कौन सी एग को खरीदने के लिए कितना कॉइन आपको पे करना पड़ेगा वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। नीचे की तरफ ये जो शॉपिंग वाला बटन है इसके ऊपर क्लिक करके आप इन सभी चीज़ों को आप देख सकते हो। यहाँ पे बहुत अच्छे से गेम मिल जाएगा, आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग इन सभी चीज़ों को खेल सकते हो। स्पिन एग है, आप इसके ऊपर स्पिन एग की ऊपर क्लिक करके आपके पास ये जो गेम है वो ओपन हो जाएगा। आप मुझे यहाँ पे 2 टिकट मिला हुआ है। आप अपने अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे ज़्यादा भी मिल सकता है, कम भी मिल सकता है। आप जितने टाइम से एक्टिव काम करोगे उस हिसाब से आपको यहाँ पे टिकट मिलेगा। आप यहाँ पे स्पिन की ऊपर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे नीचे की तरफ जो इस तरह से 5 आइटम है इनमें से आपको कुछ भी मिल सकता है और आने वाला टाइम पे इसका कुछ ना कुछ तो, जैसे कि मुझे यहाँ पे 1 टोकन मिला है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो मुझे यहाँ पे 1 लिखा हुआ आ चुका है। इस तरह से मैं यहाँ पे दूसरा पिन स्पिन करता हूँ तो मुझे यहाँ पे दोबारा क्या मिलता है देखते हैं, वही दोबारा मुझे यहाँ पे मिला है। और यहाँ पे वो वाला जो ऑप्शन है उसके नीचे की तरफ यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। इसके अलावा आप यहाँ पे शेयर भी कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, अपने लिंक को शेयर कर सकते हो, उसकी वजह से भी आपको थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल सकता है। तो इसके अलावा आप यहाँ पे नीचे की तरफ बॉटल सीड है या फिर कुछ लाकी व्हील है जो अपकमिंग लिखा हुआ है आने वाला टाइम पे आने वाला है, इन सभी चीज़ों को आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे अगर एक मिलता है तो नीचे की तरफ जो एक है वो यहाँ पे एक की जगह पे हम लोगों को देखने के मिल जाएगा। उसके अलावा नीचे की तरफ यहाँ पे जो आन सेक्शन है, आन सेक्शन के अंदर आने के बाद बहुत सी यहाँ पे
टास्क मिल जाएगा, जैसे कि डेली लॉगिन है, इसके ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पे 5 दिन कुछ ना कुछ सीड कॉइन आप यहाँ पे गेन कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट डे आपको यहाँ पे 0.1 सीड कॉइन मिलेगा, दूसरे दिन आपको 0.2 आपको सीड कॉइन मिलेगा, तीसरे दिन, चौथे दिन, इस तरह से आपको 7 डेज को आपको यहाँ पे एक पूरा सीड कॉइन मिलेगा। इस तरह से आपको अलग अलग दिन भी आके आपको डेली लॉग इन चेकअप करना है, आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ सीड कॉइन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और इसी तरह से ऊपर की तरफ जैसे जैसे एक पीक होता है तो आपको एक एक करके आपको यहाँ पे टोकन मिलेगा, जिससे हम लोग थोड़े टाइम पहले वहाँ पे स्पिन किए थे उस टोकन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे 3 फैन को आप यहाँ पे रेफर करते हो तो 5 टोकन मिल जाएगा। आप इनका एक सैंडल को फॉलो करते हो तो आपको यहाँ पे 0.5 टोकन मिल जाएगा। आप यहाँ पे इनका जो सीट वाला पत्ते जैसा ये लोगो है, इसको आप अपने टेलीग्राम जो नेम है, चलन की जो नेम है, वहाँ पे जाके आप इसे पेस्ट कर दो तो आपको उसकी वजह से कुछ यहाँ पे टोकन मिल जाएगा। इस तरह से बहुत सी ऐसे इसका वीडियो को देख सकते हो, इनका वीडियो को देख के आप यहाँ पे एक कॉइन ले सकते हो। इनका जो टेलीग्राम चलन है उसको आप सब्सक्राइब करके एक कॉइन ले सकते हो। इस तरह से बहुत सी टास्क मिल जाएगा आपको, इन सभी टास्क को कंप्लीट करके आपको यहाँ पे आपकी जो सीड कॉइन है उसको आपको गेन करना है। इसी तरह से आर्म सेक्शन जो है ये भी कॉम्प्लीट हो जाता है। उसके साथ साथ यहाँ पे बूस्ट ऑप्शन है, बूस्ट ऑप्शन के अंदर आके आपको यहाँ पे इसका जो स्टोरेज है, ट्री है, व्हील वाटर है, इन सभी चीज़ों को आप यहाँ पे कुछ कॉइन को पे करके आप इनका जो कैपेसिटी है, इनका जो पावर है, उसे आप बूस्ट कर सकते हो, यानी कि उसकी कैपेसिटी को बढ़ा सकते हो। उसके बगल पे फ्रेंड आप यहाँ से अपने दोस्तों को इस सीड कॉइन को शेयर करके भी, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कुछ ना कुछ कॉइन आपको मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे बगल पे है एयरड्रॉप, एयरड्रॉप के अंदर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको साफ साफ बताया गया है 2024 की नवंबर को सीड कॉइन की जो एयरड्रॉप है वो आने वाला है। अभी तक यहाँ पे डेट अनाउंस नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट सेक्शन है, किस किस बेसिस पे आपको यहाँ पे एयरड्रॉप लॉन्च होगा वो आपको यहाँ पे पॉइंट सेक्शन के अंदर आपको दिखाया गया है। उसके अलावा यहाँ पे विड्रॉल सेक्शन के अंदर आओगे तो आपको यहाँ पे सारे के सारे चीज़ यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको बस जानकारी दिया गया है कि इनसे इन इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको आने वाले टाइम पे कितना बड़ा एयरड्रॉप मिलेगा उसका एक आइडिया यहाँ पे देकर रखा गया है। आने वाला टाइम पे इसका अपडेट जैसे ही आता है मैं सबसे पहले आपके चैनल के अंदर पोस्ट करूंगा, तो इसी वजह से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा आप यहाँ पे इन्वेंटरी ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो मैंने आपको बताया था मुझे यहाँ पे एक मिला है, उस एक को किस तरह से बार्ड में कन्वर्ट करना है और उस बार्ड को किस तरह से काम पे लगाना है ताकि आपके वो जो बार्ड है वो यहाँ पे आपकी जो सीड कॉइन है उसे गेन करके दे, वो कैसे करते हैं वो आप चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे वॉर्म सेक्शन के अंदर आप देख सकते हो कितना कीड़े को आप इकट्ठा कर लिए हो। उसके बगल पे जो एग है एग की ऊपर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपके पास हो सकता है यही नॉर्मल बेसिक वाला एग हो या फिर कोई दूसरा एग हो, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे की तरफ कुछ ऑप्शन मिल जाएगा, सेल कर सकते हो, हैच कर सकते हो या फिर ट्रांसफर कर सकते हो। आपको यहाँ पे इस एग को बार्ड में कन्वर्ट करने के लिए आपको यहाँ पे हैच वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, तो दोबारा आपके पास इस तरह से एक ऑप्शन आएगा, आपको यहाँ पे दोबारा हैच के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे चेक इन्वेंटरी के ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो बार्ड के अंदर आ जाओगे और आपकी जो एग है वो यहाँ पे बार्ड पे कन्वर्ट हो चुका है। आप यहाँ पे एग सेक्शन के अंदर आके देखोगे आपकी एग जो है वो यहाँ पे गायब हो चुका है और यहाँ पे बार्ड सेक्शन के अंदर एक बार्ड आ चुका है। तो यहाँ पे आपको इस बार्ड की क्या क्या बेनिफिट है वो आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो इस बार्ड को इस्तेमाल करके आप यहाँ पे सीड कॉइन को कलेक्ट कर सकते हो, और इस बार्ड को इस्तेमाल करके आप यहाँ पे जो वर्म है यानी कि इस यहाँ पे जो कीड़े गाछ पेड़ के ऊपर जो कीड़ा आता है उस वो जो कीड़ा है उसे ये जो बार्ड्स है वो कलेक्ट कर लेगा। उसके साथ साथ नेक्स्ट वीक जो भी न्यू अपडेट आएगा उसको भी यहाँ पे इस बार्ड के थ्रू आप यहाँ पे बार्ड के थ्रू आप यहाँ पे कलेक्ट कर सकते हो। तो इसको काम पे लगाने के लिए आपको अभी जो करना पड़ेगा आपको यहाँ पे फीड की ऊपर क्लिक करना है। जैसे फीड की ऊपर क्लिक करोगे तो इस बार्ड को कंट्रोल करने की जो पूरा पेज है वो आपके पास आ जाएगा। अभी आपको यहाँ पे जो करना पड़ेगा आपको यहाँ पे इस बार्ड को सबसे पहले हैप्पी करना पड़ेगा। हैप्पी करने के लिए आपको यहाँ पे दूसरी वाले जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, दूसरी वाले जो ऑप्शन है आपको इस ऑप्शन को आपको सबसे पहले इनेबल करना है। आपको इस ऑप्शन के ऊपर टच करके यहाँ पे ये जो ऑप्शन है इस ऑप्शन को आपको एक्टिव करना पड़ेगा। एक्टिव करने के लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले इस ऑप्शन के ऊपर टच करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे ऊपर की तरफ जो बार्ड है बार्ड के ऊपर लॉन्ग प्रेस करके रखना है। जैसे ही आप यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करके रखोगे तो आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे नीचे की तरफ आपकी जो ये ऑप्शन है जो 0 था वो यहाँ पे इंट की जुड़ने लग जाएगा, और यहाँ पे जब तक यहाँ पे 100 नहीं होता है, जब तक ये ग्रीन ऊपर की तरफ जो सर्कल है वो ग्रीन नहीं हो जाता है तब तक आपको यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करके रखना है। आप जैसे लॉन्ग प्रेस करके रहोगे तो आप यहाँ पे देख पाओगे ग्रीन हो चुका है और यहाँ पे 100/100 यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, तो यहाँ पे ऊपर की तरफ आ जाएगा योर बार्ड इज हैप्पी। तो ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। अभी आपको जो करना है आपकी जो बार्ड है आपको इसे कुछ खिलाना है। खिलाना मतलब आपको यहाँ पे नीचे की तरफ जो बॉम्ब्स है यानी कि जो कीड़ा है जिसे आपने कलेक्ट करके रखे थे उस कीड़ा को आपको यहाँ पे इसे खिलाना पड़ेगा। तो आपके पास यहाँ पे जो कीड़ा है आपको इस कीड़े के ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो आप इनमें से कौन सी कीड़ा को खाना खिलाना चाहते हो तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे श्योर के ऊपर क्लिक करना है।
जैसे ही क्लिक करोगे तो फीडिंग सक्सेसफुल का ऑप्शन आ जाएगा, और यहाँ पे नीचे की तरफ जो तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे ईटिंग वाला, वो यहाँ पे वार की जो ईटिंग प्रोसेस है वो यहाँ पे कॉम्प्लीट हो चुका है, जिसकी वजह से यहाँ पे 2x2 का ऑप्शन आ चुका है। अभी आपकी यहाँ पे काम खत्म हो चुका है। अभी आपको यहाँ पे जो करना है, आपको यहाँ पे अपनी बार को स्टार्ट हंटिंग की पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो ये जो यहाँ पे काउंट डाउन शुरू हो जाएगा, 12 घंटे का काउंट डाउन होगा। 12 घंटे के अंदर आपकी जो बार है वो आपकी ट्री की पर ध्यान रखेगा, और वहाँ पे जो कुछ भी एक्टिविटी होगा वहाँ से सीड सीड कॉइन को कलेक्ट करेगा। यहाँ पे जो भी वहाँ पे कीड़ा आएगा उनको यहाँ पे कलेक्ट करेगा आपकी वो बार। जैसे ही आप वहाँ से बैक करके आप यहाँ पे मेन पेज पे आ जाओगे होम पेज के अंदर, तो आप यहाँ पे देख पाओगे यहाँ पे आपकी स्क्रीन कीपर राइट साइड पे आपको यहाँ पे बार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। आप दोबारा जब भी 12 घंटे बाद आप दोबारा बार्ड की ऊपर क्लिक करना, क्लिक करने के बाद आप उसी पेज के अंदर आ जाओगे, और वहाँ पे जहाँ पे स्टार्ट हंटिंग की ऑप्शन था, जहाँ पे काउंट डाउन हो रहा था 12 घंटे की, उसके अंदर आपको क्लेम का ऑप्शन मिल जाएगा। आप क्लेम की पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपकी जो बार है जो कुछ भी कलेक्ट करेगा वो आपकी अकाउंट के साथ अटैच हो जाएगा, क्लेम हो जाएगा। तो इसी तरह से आप अपनी सीड कॉइन को गेन कर सकते हो। डेली चेकिंग के हिसाब से आप कुछ सीड कॉइन को गेन कर सकते हो। पार डे की जो टास्क आता है उसको आप करके आप यहाँ पे सीड कॉइन को गेन कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे फार्मिंग करके आप यहाँ पे गेन कर सकते हो। उसके अलावा अपनी जो बाढ़ है उस बाढ़ को आप काम पे लगा के आप यहाँ पे अपनी सीड कॉइन को गेन कर सकते हो। और अभी बारी आती है, अगर आपको एक नहीं मिला है, बाढ़ नहीं मिला है, तो आप यहाँ पे सेफ जो बॉम मिलता है, जो कीड़े मिलते हैं उसको आप कलेक्ट करना और यहाँ पे फार्मिंग करना। डेली जो टास्क आता है उसको आप कंप्लीट करना, और उसके साथ साथ आपको जो डेली लॉगिन है वहाँ पे जाके आप बम को कलेक्ट करना। उसके बाद आप जैसे ही आपको कोई एग मिल जाता है तो उस एग को आप आने वाले टाइम पे मैंने आपको जो जो प्रोसेस बताया है उस प्रोसेस को फॉलो करके आप उस एग को आप बार्ड में कन्वर्ट करके आप उसको भी आप अर्निंग सीड कॉइन को अर्न करने के लिए लगा सकते हो। तो ये था पूरा प्रोसेस सीड कॉइन को आप किस तरह से गेन कर सकते हो। बस 1-2 महीने ही बाकी है, इसका एयरड्रॉप लॉन्च होने वाला है, तो इसी वजह से आज अभी से आप काम करना शुरू करोगे तो आप यहाँ पे अच्छा खासा आप यहाँ पे सीड कॉइन को गेन कर पाओगे। तो आने वाले टाइम पे इसका कोई भी नया अपडेट आता है तो सबसे पहले उसको जानने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। और आप इसी तरह का नए नए माइनिंग एप्लीकेशन या फिर नए नए माइनिंग जो बॉट है टेलीग्राम के अंदर, उसका माइनिंग करके, उसके बारे में जानकारी लेकर उसकी माइनिंग करके आप अर्निंग करना चाहते हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसके अलावा आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप बेझिझक हमारे कमेंट से कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं आप सके ऐसे ही और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।